dignitaries who are here, officers, ladies and gentlemen. At the outset, my और श्रावस्ती में 120 विद्यालय ऐसे थे 2017 के पहले जिनमें एक भी शिक्षक नहीं था, और आज आप श्रावस्ती संबंधित विभाग से कहा भाई हर विद्यालय में शिक्षक होने चाहिए, हर चिकित्सालय में चिकित्सक होने चाहिए, कृषि का हो या ग्राम्य विकास या पंचायती राज का या नगर विकास का, वहां पे मैन पावर की आपूर्ति आप करिए। और फिर हर सप्ताह 15 दिन में उनकी समीक्षा होने लग गई, परिणाम हम सबके सामने है। कुल यानी 6 वर्ष में 5.5 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने की, और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं ये भी मानता था ये 24-25 करोड़ की आबादी के राज्य में 5 लाख 5.5 लाख सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते, उनको अन्य सेक्टर में कार्य मिलना चाहिए, कार्य करते हुए उनके लिए उस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए। प्रदेश के अंदर प्रारंभ हम लोगों ने यही से किया कि परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है तो वैसी ही बड़ी आबादी है, कारण तो होंगे, सबसे और बड़ा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, इस सबके अलावा और भी कुछ होगा। यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के आर्टिजन्स ने, हस्तशिल्पियों ने कुछ तो किया होगा, हमने उसकी मैपिंग करवाई। 75 जनपदों में से 57 जनपद ऐसे थे जिन 57 जनपदों की अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। जैसे मुरादाबाद में क्रॉस का काम बहुत अच्छा होता है, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर वुडवर्क के लिए जाना जाता है, मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है, लखनऊ की चिकन कारीगरी के लिए, वाराणसी सिल्क के कार्य के लिए, भदोही अपने कारपेट के लिए, अलग अलग जनपद के पास हमने इसकी मैपिंग करवाई। 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने तय किया कि इस जनपद के साथ भी कोई एक प्रोडक्ट जुड़ना चाहिए, और सभी 75 जनपदों को 2018 में ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक कार्ययोजना उस समय लागू की थी। और आज आप देखते होंगे